और कहते हैं दुनिया की हर डिक्शनरी में कुछ पन्ने अक्सर खाली रखे जाते हैं ताकि नए शब्दों को समय समय पर वहां पर लगाया जा सके, भरा जा सके। 9 चरण की वोटिंग के बाद अब नई सरकार शक्ल अख्तियार करने जा रही है, लेकिन शहजादे, टॉफी मॉडल, आरएसवीपी, जीजाजी जैसे शब्द निश्चित ही भारतीय राजनीति के शब्दकोश में बने रहेंगे। इन चुनावों की इन शब्दों ने दिशा ही बदल कर रख दी है। आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों के साथ ये जुमले ऐसे चले हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास, घपले घोटालों पर चर्चा ने दम ही तोड़ दिया। कटाक्ष की लड़ाई में कोई पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी शहजादे जैसे शब्द से नवाजे गए तो एपी के नेता अरविंद केजरीवाल को AK-49 जैसी संज्ञा मिली। मोदी को फेकू, साहबजादे और हिटलर जैसे नाम दिए गए, यानी 2014 के चुनाव की तू-तू मैं-मैं सालों तक याद रखी जाएगी। जब एक साथ में हम लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ में, तो आपका गुस्सा क्यों दंगा बाबू, इतना गुस्सा क्यों? ममता जी, आपसे अपेक्षा नहीं। अरे कुर्सी का इतना मोह होता है? अरे आपने इतना बढ़िया अवसर दिया, बंगाल की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, आप बंगाल का कितना भला कर सकती थी, लेकिन आप तो वही कर रही हो जो लेफ्ट वाले करके गए हैं। जाने ना पेपर टाइगर और रॉयल बेंगल टाइगर में मुझे पार्थक्य। अगर बंगाल का कोई सच्चा टाइगर है तो ये बंगाली नौजवान है, और मैं हैरान हूं दीदी, एक पेपर टाइगर से इतनी डरती क्यों? मोदी को वोट देगा उसको समाधान के अंदर क्यों क्या लाता है? आपको शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बयानबाजी? और अगर डूबना है तो किसने डूबना चाहिए, जरा दर्पण में अपना चेहरा देख लो। आपके पिताजी का चेहरा दर्पण के सामने खड़ा कर करके ये सवाल पूछो कि कश्मीर के पंडितों को वहां से खदेड़ देने वाले लोग किस मुंह से देश को भिन्न सांप्रदायिकता के उपदेश दे रहे हैं, उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। समाज पार्टी नेता बहुत गुस्से में है अभी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे ज्यादा आग बबूली हो रही है। उन्हें आपत्ति है बहुत सारे सवालों पर कि उनको कैसे बुलाया जाए। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हमने हमेशा बुलाया उन्हें बुआ जी के नाम पर, और इसलिए बुलाया कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं और जितने नेता हैं उनको जब बहन जी बोलते हैं तो हम नौजवानों की क्या हुई बता दो। श्री मुलायम सिंह यादव भी यहाँ के मुख्यमंत्री को बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री से सरकार चलाने की सीख लेने की भी इन्होंने इनको सलाह दी है, इसलिए अब इनको उत्तर प्रदेश का लड़ुआ मुख्यमंत्री भी कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी या फिर जयललिता, भले ही बीजेपी व श्री मोदी की इनकी सरकार बनाने के लिए क्यों ना अपना समर्थन दे दें, परंतु हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी कीमत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी समर्थन इनको नहीं देगी। अभी मांगा किसने उनसे समर्थन? पहली बात तो उन्हें अपनी सीटें जुगाड़ करनी चाहिए। आज जो है वो जो हालत हो गई है, जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन को वो कंधा देकर के चाहे मुलायम सिंह जी हो चाहे मायावती जी हो बचाते रहे हैं, तो आज जो है गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। आज जो है वो कांग्रेस के साथ साथ इनका भी बुरा हाल हो रहा है। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान खुदी थे। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, वो सब उनके मन में अपने देश के लिए प्यार है, इसीलिए वो ज्वाइन करते हैं। आप जाके किसी भी स्टेशन पे देखो, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जहां भी आप देखोगे,
ना आपको हिंदू ऐसा लगेगा कि वो मुसलमान से भेदभाव कर रहा है, ना मुसलमान ऐसा लगेगा कि वो हिंदू से भेदभाव कर रहा है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन उठना ही, ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से तो पॉलिटिक्स को कारगिल या किसी भी लड़ाई से जोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आजम खान जी ने जो स्टेटमेंट दी है कि सिर्फ मुस्लिम सोल्जर्स की वजह से कारगिल फतेह किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, क्योंकि उसमें मुस्लिम सोल्जर्स की प्रतिशत संख्या निकाली जाए तो बहुत कम है, बहुत ही कम मुस्लिम वहाँ पर थे, और वो भी बटालिक सेक्टर में मेरा ख्याल कि कुछ थोड़े से थे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारी जो आर्मी है उसमें भी मुश्किल से मुस्लिम सोल्जर्स की संख्या 2-5% से अधिक नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पांच साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। मैं पिछले 20-25 साल में कभी भी सार्वजनिक सभा में मैडम सोनिया जी को भगवान का नाम देते सुना नहीं था, कभी नहीं। ये पहला चुनाव है दिन में एक बार वो कहती है भगवान बचाए, भगवान को बार बार याद करती है। इनकी मुसीबत कितनी बड़ी होगी इसका आप अंदाज कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं। ये मैडम सोनिया जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जहर की खेती करते हैं। अब भाइयों बहनों, आप तय करिए, कुछ दिन पहले जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था और वहां श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठ करके अपनी मम्मी के कमरे में गए थे, मम्मी से मिले थे, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा सत्ता जहर होती है, अगर सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा ये जहर चखने का काम किसने किया, ये किसके पेट में जहर गया, किसका पेट जहर से भरा पड़ा है, ये जहर कौन उगल रहा है, ये जहर कौन उगल रहा है, ये जहर की फसल कौन काट रहा है, ये जहर कौन बो रहा है। तो कभी नारों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा गया, तो कभी एबीसीडी के जरिए घोटालों को डिस्क्राइब किया गया। इतना ही नहीं, एक दूसरे को तरह तरह की खिताबों से भी नवाजा गया और मॉडल्स भी कई तरीके का रूप लेते दिखाई दिए। जहां राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल करार दिया, तो नरेंद्र मोदी ने RSVP मॉडल के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। माँ बेटे की सरकार ने ऐसा मॉडल दिया कि जेब में 1,00,000 रुपये है और 4 साल में 300 करोड़ हो जाते हैं। ये RSVP मॉडल है, RSVP आर राहुल, एस सोनिया, बी बड्रा, पी प्रियंका। 1 रुपया मीटर जमीन दी गई है इनको, 45,000 एकड़ जमीन, ठीक है, एक व्यक्ति को। भैया आजकल टॉफी कितनी की आती है, 1 रुपए की ना। गुजरात में भैया अदानी जी को 1 रुपए का 1 मीटर जमीन मिलता है, यहां पे आपको 1 रुपए की टॉफी मिलती है, वहां 1 मीटर जमीन मिलती है बड़े बिजनेसमैन को। गुजरात मॉडल नहीं है, ये टॉफी मॉडल है।
2014 के चुनाव में मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ RSVP मॉडल का जुमला फेंक कर उसके नए मायने गढ़ दिए। मोदी ने 2014 के चुनाव में इस शब्द का इस्तेमाल तकरीबन हर सभा में किया। मोदी के इस मॉडल के जवाब में राहुल गांधी ने मोडानी मॉडल का जुमला हवा में उछाल दिया। अडानी को बीच में लाकर गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल का नाम दे दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मोदी के RSVP मॉडल पर जमकर हमला किया। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी गलती देश तो करते कहूँगा, बल्कि बंदी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। देश की जनता है, जनता में विवेक है, जनता के कण कण में वो राजा की भावना है जो मेरे आपके अहंकार से कहीं बड़ी है। जब आप जनता को संबोधित करते हैं तो जनता को ये बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि जो समझ जो विवेक जनता में है वो और किसी में नहीं है। टॉफी मॉडल के जवाब में मोदी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला करके राहुल को बच्चा बताने की कोशिश की। मोदी और SP के बीच भी 2014 के चुनाव में जमकर वाकयुद्ध चला। CM अखिलेश ने गुजरात के शेर को इटावा में एक पिंजरे में बंद रखने की बात कही तो मोदी ने एक सांड की वजह से मुलायम और हेलीकॉप्टर न उतर पाने पर चुटकी ली। ये गुजरात मॉडल लेकर के आए RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वही कह रहे हैं बनेगी मोदी सरकार और मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। ये कोई मॉडल नहीं है, ये केवल हमारे लोगों को लगाने वाला मॉडल है। अभी दो दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि नेताजी हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे तो सांड ने उनको उतरने नहीं दिया। नेताजी इंसान तो छोड़ो, यहाँ का सांड भी आपसे नाराज है। इसके अलावा मोदी अखिलेश और मुलायम पर बाप बेटे की सरकार कहकर जोरदार हमला करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।